हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे और आगे हूँ एक और नई वीडियो के साथ। सो इस बारे वीडियो में मैं बताऊंगा, मतलब कि दिखाऊंगा कि आपने जो सॉन्ग सुनी लिया होगा इंस्टाग्राम पे, इट्स यू इंटो मुस्कुराने की वजह तुम हो, सॉन्ग का आपको नाम नहीं पता चल रहा। सो प्रीव्यू दे दिखाता हूँ। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं अभी तक, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वरना डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है। सो लाइक और डिसलाइक का बटन जरूर दबा के जाए और नीचे कमेंट करने का मन हो तो कमेंट अच्छा सा कर दे। और मैं हर वीडियो के टॉप 3 कमेंट को टेलीग्राम चैनल पे मेंशन कर दो। सो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाओ यार, ज्वाइन कर लो। और ये वाला प्रीव्यू डाउनलोड करना तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो प्रीव्यू देखे कुछ इस टाइप से प्रीव्यू देखने को मिलेगा। सो गाइस यार, इस टाइप की वीडियो बनाना तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। और हाँ, ऑडियो जो म्यूट था आप प्रीव्यू देख ले, आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, आपको बहुत पसंद आएगा, ठीक है। सो इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो नीचे डाउनलोड लिंक मिल जाएगा मटेरियल्स का, तो वहाँ से आप इजिली मटेरियल सारे डाउनलोड कर ले। देन अपने अलाइट मोशन को ओपन कर ले, क्योंकि सारी एडिटिंग वहीं से करते हैं। सो सिंपल से आप अपने अलाइट मोशन को ओपन कर ले। और हाँ, प्रोजेक्ट इंपोर्ट करने से पहले आप जो है अपने फाउंड को इंपोर्ट कर ले, फिर मिसिंग फाउंड का वो जो है इशू नहीं आएगा कोई, ठीक है। सो सबसे पहले आपको जो है फाउंड को इंपोर्ट करना, देन अपने प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना। सो अलाइट मोशन को ओपन करके आगे का प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ से जो मैंने अपने अलाइट मोशन को ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो अब आपको क्या करना, आपको जो प्लस का ऑप्शन दिख रहा है नीचे नीचे जो ऑप्शन है उनमें, सो प्लस के ऑप्शन के राइट साइड में प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखेगा। सो आपने प्रोजेक्ट के ऑप्शन में चले जाना और पहले आपको जो बीट मार्क वाला प्रोजेक्ट कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको लाइरिक मतलब की म्यूजिक होगा और यहाँ पे आपको बीट मार्क लगे हुए होंगे, ठीक है। सो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। देन आपको जो प्ले के लेफ्ट और राइट में एक एरो दिख रहा है, उसे आप इजिली एक बीट मार्क से दूसरे बीट मार्क पर जा सकते हो आगे और पीछे क्लिक में, ठीक है। सो इसका यूज करें आगे पीछे जाने के लिए। देन आपको अगर लिरिक्स लिखना तो उसके लिए क्या करना, आपको इस वाले प्रोजेक्ट से वापस से बैक आना, देन आपको अपने बीट में अपने इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना, और ओपन करने के बाद आपको जो क्या करना, आपको जो है यहाँ पे लिरिक्स दिखेगा, ठीक है, ये वाला लिरिक्स दिखेगा। सो टेक्स्ट दिखेगा, सो आपने इस पर टैप करना और यहाँ एरो के नीचे दो डब्बे दिखेंगे, ठीक है। सो उस पर आपने टैप करके यहाँ से कॉपी लेयर करना, देन इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, देन आपको जो बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना और यहाँ से आपको पेस्ट करना, ठीक है। सो यहाँ से पेस्ट कर लिया, देन आपने देख सकते हो इसका लिरिक्स जो है छोटा, सो इस पर आपने टैप करना और यहाँ पे स्पीड वाले ऑप्शन में जाना और इस टाइप से आपको जो है अपने बड़े कर लेने टैक्स को, ठीक है। देन आपको जो अगले वाले बीट मार्क पे आना है और देन इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट लगा सकते हैं, यहाँ से फाइनली कट हो गया। देन आपको अब लिरिक्स को लिखना अपने सॉन्ग के लिरिक्स को, ठीक है। सो उसके लिए आपको क्या करना, आपको जो भी सॉन्ग का नाम है उसका लिरिक्स का फाइंड कर ले, आपको गूगल पे मिल जाएगा। देन आप क्या करें, मैंने यहाँ से नोट पैड में रखा हुआ, तो यहाँ से सिंपली कॉपी करता हूँ। सो कॉपी करने के बाद यहाँ से आपको पेस्ट कर लेना, ठीक है। सो इस पर आपने टैप करना, देन यहाँ पे एडिट टेक्स्ट में जाना और यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना, ठीक है। सो पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये जो एक वर्ड खत्म हो रहा है, देन दूसरा वर्ड हो रहा है, उसकी स्टार्टिंग वाला लेटर ना उसको भी आपने जो है कैपिटल लेटर में लिखना, ठीक है। सो यहाँ से कुछ ही जैसे कैपिटल लेटर में लिखा, देन सिंपली टिक, और टिक करने के बाद आपको क्या करना, एक लिरिक्स हो गया, देन आपको दूसरा लिरिक्स को लिखना, तो उसके लिए आपको इस वाले प्रोजेक्ट से वापस से बैक आना, देन आपको चले जाना इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में, देन यहाँ से दूसरा वाला लिरिक्स दिखेगा। सो आपने इस पर टैप करना, यहाँ से कॉपी लेयर कर लेना, ठीक है। सो कॉपी लेयर करने के बाद आपने वापस से बैक आना, देन आपको जो बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना है और यहाँ से आपने जो एरो दिख रहा है, सो आपने उस पर टैप करना और यहाँ पे आपने पेस्ट कर लेना इजिली, ठीक है। देन आपको एरो पे टैप करना, देन इस वाले लेयर पे टैप करें, देन इस वाले ऑप्शन पे टैप करके स्वीट वाले और इस वाले ऑप्शन पे टैप करोगे तो यहाँ से कट लग जाएगा। देन यहाँ पे अपने सॉन्ग के अगली लाइन को लिखे, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली कुछ इस टाइप से था, तो ये लिख लिया और टिक कर लिया, और टिक करने के बाद यहाँ से इस टाइप से आप लोग लिरिक्स लिख लेना। सो एक बार और मैं बताता हूँ आपको क्या करना, यहाँ से ये कोई सा भी लिरिक्स को कॉपी करना, ठीक है। सो लिरिक्स को कॉपी कर ले और यहाँ पे आपको
आ जाना और देन आपको जो है यहाँ से ये जो लेयर दिख रहा है सो लेयर को कॉपी कर लेना, पहले वाले लेयर को कॉपी करना और यहाँ से आपको कुछ इस टाइप से पेस्ट करना है, ठीक है। सो इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे पेस्ट करें और यहाँ पे आपको छोटा पड़ जाएगा, सो आपने ये वाले ऑप्शन में जाना, ठीक है। इस वाले ऑप्शन में जाए और यहाँ से आपको जितना बड़ा करना कर लें, देन आपको कोई टेंशन नहीं लेना, अगले वाले बीट मार्क पे आना और इस वाले ऑप्शन पे टाइप करोगे तो ये जो इफेक्ट में कोई पंगा नहीं पड़ेगा बट ये कट हो जाएगा लेयर, ठीक है। सो यहाँ पे आए वापस से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे पेस्ट किया देन इस वाले लेयर पे टैप करके कुछ इस टाइप से इसको बड़ा कर लिए, ठीक है। बड़ा करने के बाद आपको अगले वाले बीट मार्क पे आना, इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट लगा लेना, ठीक है। सो अब आप लाइन चेंज करना बताता हूँ। सो यहाँ पे आए और यहाँ पे अगले लाइन को कॉपी करें, सो यहाँ से कॉपी किया कुछ इस टाइप से और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, अपने बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना और यहाँ से कुछ इस टाइप से आए एड टेक्स्ट पे टैप करें और यहाँ पे पेस्ट कर लेना और यहाँ पे आपको देख सकते हो ये जो लेटर्स छोटे हैं, ठीक है। सो इसको आपने बड़ा करना है, तो यहाँ से कुछ इस टाइप से देख सकते हो मैं बड़ा कर रहा हूँ। सो आपको कुछ इस टाइप से कर लेना, ठीक है। सो इस टाइप करने के बाद आपको सिंपली टिक करना और अगर आपको कलर चेंज करना सो वो कैसे करोगे, आपने लेयर पे टैप करना है, एडिट टेक्स्ट में जाना और यहाँ पे आप कोई सा भी कलर ले रहे, ठीक है। सो इस वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, सिंपली कलर से सेलेक्ट करें और यहाँ पे आप देख सकते हो जो इफेक्ट होता है ना वो भी लेयर का वो भी इसी इफेक्ट में आ जाएगा, ठीक है, इसी कलर में आ जाएगा। सो इस टाइप से आपको बना लेना और देन आपको जो है इस वाले ड्यूरेशन से आपको फोटो सबको लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको आगे आओगे ना तो इस वाले ड्यूरेशन से आपको फोटो सबको लिखना है, तो यहाँ से मैं आपको फोटो सब जो है लाइक लिख लेता हूँ और इस वाले ड्यूरेशन आपको फोटो सबको इंपोर्ट करके बताता हूँ। मैंने देख सकते हो कुछ इस टाइप से देखने को मिला और यहाँ पे मैंने सारे लाइरिक्स लिख लिया और यहाँ पे बीच में अपने चैनल का नाम भी दे लिया, ठीक है। सो इस टाइप से आप अपने स्टाइल से दे सकते हो, तो ये मैंने कुछ इस टाइप से लिख लिया। देन यहाँ पे इस वाले ड्यूरेशन पे आना और यहाँ पे आपको छोटे बीट मार्क दिखेंगे, सो उन सब पे आपने फोटोज इंपोर्ट करना है, आगे जितने बीट मार्क आना उन सब पे आपको फोटो सबको इंपोर्ट करना, ठीक है। सो इस वाले ड्यूरेशन तक आए देन आपको प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है, सो प्लस वाले ऑप्शन पे टैप करें और देन यहाँ पे इमेज एंड वीडियो में आ जाओ, यहाँ पे आपको बहुत सारी इमेज दिख देंगे, ठीक है। सो कोई सा भी इमेज को सिलेक्ट करें, देन थ्री डॉट पे टैप करके यहाँ से फिर सेकंड कर लें, देन एयर पे टैप करना और इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट लगाना, ठीक है। सो इस टाइप से कट लगाया देन फिर से प्लस पे टैप करें, इमेज एंड वीडियो, यहाँ से अगले इमेज को सिलेक्ट करें, थ्री डॉट पे टैप करके फिल सेकंड, देन एरो पे टैप करें और इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट लगाया, देन फिर से प्लस पे टैप करें, इमेज एंड वीडियो, देन अगले इमेज को सिलेक्ट करें, थ्री डॉट पे टैप करके फिल सेकंड, देन एरो पे टैप करें, इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट लगाया, देन फिर से प्लस पे इमेज एंड वीडियो और यहाँ से कुछ इस तरह से इमेज को सिलेक्ट करना और यहाँ पे एरो पे टैप करके इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट लगाना, देन फिर से प्लस पे इमेज एंड वीडियो। सो यहाँ से आपको इजिली पता चल गया होगा इंपोर्ट करना फोटोज, तो फोटोज को इंपोर्ट कर लेना और ये फोटोज आप डाउनलोड कहाँ से करना वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। सो वहाँ पे पहले से भी है बट आज फिर भी कर दूंगा, तो इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से और करने के बाद आपको इंपोर्ट करना तो आएगा। सो सिंपल से एक लास्ट बारी बताता हूँ आपको क्या करना, जो नीचे प्लस का ऑप्शन दिख रहा है सो प्लस पे टैप करें, इमेज एंड वीडियो पे जाए और यहाँ से अगले इमेज को सिलेक्ट करें, थ्री डॉट पे टैप करके आपको फिर से इन करना, देन एरो पे टैप करना और इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट लगाना। सो इसी टाइप से आपको जितने सारे भी आगे बीट मार्क है ना गाइस उन सब पे आपको जो फोटो सबको लगाना, ठीक है। सो फोटो सबको लगा लें और देन आपको जो मैं इफेक्ट लगाना बताता हूँ। सो आपको क्या करना, इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, देन आपको अपने इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना और यहाँ पे आपको जो फर्स्ट वाला इमेज दिखेगा कुछ इस टाइप से ये वाला इमेज, ठीक है। सो इमेज पे टैप करना, इफेक्ट के ऑप्शन में थ्री डॉट पे जाके कॉपी इफेक्ट करना, देन आपको जो इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, देन आपको चले जाना अपने बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट में और इस टाइप से आपको स्लाइड करके आगे जाना और आगे जाना और यहाँ पे आपको जो यहाँ पे छोटे छोटे जो बीट मार्क है ना उन सब पे ये वाला इफेक्ट पेस्ट करना। सो इफेक्ट कैसे पेस्ट करना, इमेज पे टैप करना इफेक्ट के ऑप्शन में और थ्री डॉट पे जाके पेस्ट करना, ठीक है। सो इस टाइप से पेस्ट करें, देन अगले इमेज को सिलेक्ट करें, थ्री डॉट पे जाके पेस्ट, देन आपको इमेज को सिलेक्ट करना इफेक्ट के ऑप्शन में, थ्री डॉट पे जाके पेस्ट कुछ इस टाइप से, ठीक है। सो इस टाइप से आपको जो जितने सारे छोटे बीट मार्क है उन सब पे आपने जो है ये वाला इफेक्ट लगाना और जितने सारे भी बीट मार्क मतलब कि जितने सारे भी इसके आगे फोटो उन सब पे आपने एक ही इफेक्ट लगाना वो जो है सेकंड वाला, ठीक है। चलो लगा के बताता हूँ आपको, इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, देन आपको जो अपने इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन करना और यहाँ पे कुछ इस सबसे देखने को मिलेगा सेकंड वाला फोटो, सो उस पर आपने टैप करना, देन इफेक्ट के ऑप्शन में जाना और थ्री डॉट पे जाकर इजिली से कॉपी करें, देन इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, देन आपने जो बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना, सो ठीक है। सो यहाँ से बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर दिया और यहाँ पे जितने छोटे से लाइरिक्स थे उन सब छोटे जो बीट मार्क थे उन सब पे मैंने पेस्ट कर दिया, देन यहाँ से इमेज पे पेस्ट करें कुछ इस टाइप से, ठीक है। सो पेस्ट कर लें, देन आपको क्या करना, इमेज पे टैप करना, इफेक्ट के ऑप्शन थ्री डॉट पे जाके पेस्ट, देन आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। सो इमेज पे टैप कर, इफेक्ट के ऑप्शन थ्री डॉट पे जाके पेस्ट, ठीक है। सो इस टाइप से पेस्ट कर ले, देन यहाँ पे आपको जो है एक जो है वो होता है क्या नाम है कि एक बीट आता है, ठीक है। सो एक बीट से लेके बीच बीट में एक फ्लैश इफेक्ट आता है, ठीक है। सो वो बीट मैं बताता हूँ, सो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से यहाँ पे आ रहा है बीट, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने फ्लैश इफेक्ट लगाया हुआ, अगर आपका मान लो कि यहाँ पे आता है सो यहाँ पे आप कैसे लगाओ, तो यहाँ से आपको क्या करना, यहाँ से ये जो ब्राइटनेस होगा ना इसको ऑन करना, ठीक है। देन आपको प्लस का की ऑप्शन दिख रहा है, सो की पे टैप करें और एक की आपको सेंटर में लगाना जहाँ पे आप
आपका जो है वो है बीट आ रहा है, ठीक है। सो उसके एक लेफ्ट में लगाए और एक जो है उसके राइट में लगाए, ठीक है। सो जो सेंटर वाला होगा ना उस पर जाना और यहाँ से ब्राइटनेस को आगे बढ़ा लेना, ठीक है। तो यहाँ से 60 तक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको फ्लैश इफेक्ट देखने को मिलेगा, देख सकते हो कुछ इस ऐसे फ्लैश इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो इजिली यहाँ से आप इस टाइप से आपको बना लेना है फ्लैश इफेक्ट, ठीक है। और आपने बीट के अकॉर्डिंग दे देना, और जितना अच्छा आपका फ्लैश इफेक्ट होगा ना उतना अच्छा आपको जो है स्टेटस बनेगा, ठीक है। सो इस टाइप से आप बना लें, और होप आपको पसंद भी आया होगा। सो इस टाइप से बना लें, और सिंपल से मैंने ये जो मैंने अभी बताया एग्जांपल के लिए उनको जो है माइनस कर देता हूँ, ठीक है। सो जितने सारे भी बीट मार्क उन सब पे फोटोज वगैरह और सारा कुछ मैं कर लूँगा बाद में। सो अब आपको इसको एक्सपोर्ट करना होगा। सो एक्सपोर्ट कैसे करना, सेटिंग के राइट साइड में एक आइकन दिख रहा है, सो उस पर आपने टैप करना, और वीडियो पे टैप करो, एक्सपोर्ट पे टैप करोगे तो एक्सपोर्टिंग पे लग जाएगा। और बाय द वे अगर कोई प्रॉब्लम आता आपको तो आपको क्या करना, वीडियो का एरो दिख रहा है सो एरो पे टैप करना, और यहाँ से एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन देख सकते हो। तो यहाँ से एरो पे टैप करोगे तो यहाँ से लो भी कर सकते हो, ठीक है। सो जितना आपको लो करना लो कर लो, और यहाँ पे आपको देख सकते हो और यहाँ पे फ्रेम रेट भी दिखा हुआ है, रिड्यूस और क्वालिटी भी देख सकते हो। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन है, तो यहाँ से जितने आपने कम करना रेजोल्यूशन वगैरह कम करे देना, एक्सपोर्ट पे टैप करोगे तो आपका इजीली जो एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इस टाइप से एक्सपोर्ट कर सकते हो और वीडियो बना सकते हो। सो गाइस यार कैसी रही आज की वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो जो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वरना डिस्क्राइब भी कर सकते हो, और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है सो ज्वाइन करना ना भूलें। मैं मिलता हूं किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय।